गाइस ये बस है हमारी जो ऋषिकेश जा रही है, तो ये आपको कश्मीरी गेट से मिल जाएगी, जिसका टिकट का जो फेयर है वो 450 रुपये पर पर्सन है। नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ जतिन, स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल पर। और जैसा कि आप देख सकते हैं, एक नई जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, तो गैस करो मैं कहाँ जा रहा हूँ, करो जल्दी करो, नहीं पता ना मैं बताता हूँ। मैं जा रहा हूँ तुंगनाथ, और फ़िलहाल जो है अभी मैं ऋषिकेश पहुँच चुका हूँ, सुबह के 5 बज रहे हैं। एक्चुअली मैंने ज़्यादा आपको मतलब कवर की नहीं है वीडियो, क्योंकि रात में 11 बजे हम कश्मीरी गेट से चले थे, तो जाम बहुत था और भीड़ भी बहुत थी बस में चढ़ने के लिए, तो जिसकी वजह से मैंने ज़्यादा कुछ कवर नहीं किया। तो सीधा मैं ऋषिकेश का आया हूँ अभी अभी, ये जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे मेरे बैकग्राउंड में ऋषिकेश में खड़ा हूँ। तो अभी हम जा रहे हैं उखीमठ के लिए। हमें अभी यहाँ से देखते हैं, पहले पता करते हैं कि कहाँ से हमें क्या मिलता है, डायरेक्ट बस मिलती है या फिर कोई टैक्सी है। टैक्सी का एक जगह पता भी किया, वो सीधा 700 रुपये मांग रहा है और वो उतारेगा आपको मतलब जहाँ पे हमें जाना है तुंगनाथ, वहाँ से 2 किलोमीटर पहले उतारेगा। तो चलो देखते हैं अभी, और बाकी जैसा भी होता मैं आपको बताता हूँ। चलो ठीक है गाइस, मिलते हैं। तो दोस्तों, प्लान थोड़ा चेंज हो चुका है, अब हम डायरेक्ट कीमत नहीं जा रहे हैं, हम पहले जा रहे हैं रुद्रप्रयाग, और रुद्रप्रयाग के लिए हमें बस मिल चुकी है। जैसे कि ये देखिए, हम सब बस में ही बैठे हुए हैं। तो यहाँ से ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग का जो फेयर है वो 300 रुपये है। फिर आगे का जो प्लान होगा वो जैसा भी होता है मैं बता दूँ आपको। तो पहले फ़िलहाल हम रुद्रप्रयाग जा रहे हैं, और अभी जो टाइम हो रहा है वो बज रहा है 6:30। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं। तो दोस्तों, फाइनली हम तीन धारा पहुँच चुके हैं। एक्चुअली ये रुद्रप्रयाग से थोड़ा सा आगे है, और अभी जो टाइम हो रहा है बज रहे हैं 9, और हम ऋषिकेश से निकले थे 6:30 बजे, 6 और 6:30 के अराउंड निकले थे। तो अभी मतलब भूख लगी है, तो बस वाले ने यहाँ से एक ढाबा है वहाँ पर रुका हुआ है, तो यहाँ रीज़नेबल रेट है, ढाबा ठीक है, और व्यू आप देख सकते हो मेरे बैक साइड पर, देखिए कितना प्यारा व्यू आ रहा है। अभी मैं आपको बैक साइड से दिखाता हूँ, और ढाबा जैसे देख सकते हो रहा है। सो गाइस, ये ढाबा है जहाँ पर अभी हमने चाय पी है, और व्यू आप देख सकते हो, व्यू देखिए यहाँ पर कितना प्यारा व्यू है, ये देखिए। और यहाँ पे जो लिस्ट है आपको खाने की, यहाँ पे लिस्ट मिल जाएगी, तो अपने हिसाब से जो आपको रीज़नेबल लगता है आप उस हिसाब से खा सकते हैं। बस जो खड़ी है हमारी, वहाँ पे बस खड़ी है, तो आगे चलते हैं, बाकी महादेव का नाम लेकर आगे चलते हैं, फिर मिलते हैं। मुझे एक बात पता चली है कि यहाँ पे कुछ सब्सक्राइबर आए हुए हैं जो राजस्थान से आए हुए हैं, तो भैया आप कहाँ जा रहे हो? हम जो राजस्थान जा रहे हैं। अच्छा, राजस्थान जा रही है, आए आए कहाँ से? मतलब राजस्थान केदारनाथ। केदारनाथ, ये भैया केदारनाथ गए थे, और यहाँ पे एक भैया हैं, आपका नाम भैया? राजस्थान जा रहे हो? राजस्थान जा रहा हूँ। तो गाइस, जैसा कि आपको पता लग गया, यहाँ से राजस्थान से आए थे, थोड़ा हम आपके सारे वीडियो देखते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। ओके, थैंक यू ब्रो ब्रो। ठीक है गाइस, मिलते हैं, हम भी आगे चलते हैं, बस थोड़ी देर में चलने वाली है। गाइस, ये जो बस खड़ी है हमारी, ये वाली हमें ऋषिकेश से मिली थी, जिसकी टिकट 300 रुपये पर पर्सन है। ठीक है, ये आपको रुद्रप्रयाग उतारेगी, और रुद्रप्रयाग से फिर हम आगे देखते हैं जैसा भी होगा, कि हमें डायरेक्ट चोपता जाना है या फिर सीधा उखीमठ। और ये आंटी भी ये भी तुंगनाथ जा रही हैं। अभी एक मिनट रुक जाओ, आ रहा हूँ, ट्रैफिक है। बाकी जो ढाबा, ये ढाबा रावत भोजनालय, खाना ठीक है, अच्छा है यहाँ पर, लेकिन फ़िलहाल हमने चाय पी थी। हाँ जी, आप कहाँ जा रहे हैं आंटी जी? तो दोस्तों, जैसा कि आपको ही पता लग गया, हाँ हम भी फर्स्ट टाइम ही तुंगनाथ जा रहे हैं। अभी 2 साल पहले हम केदारनाथ गए थे, हम भी गए थे एक साल पहले, गए थे केदारनाथ। हाँ, अच्छा लगा, चलो बढ़िया है। बट अब क्या, तो हम के पूरा सोचते हैं कि यहाँ की यात्रा करते हैं। बहुत अच्छा है, आपकी यात्रा और हमारी यात्रा, सबकी यात्रा सफल हो। हाँ जी, चलो गाइस, अब बस में बैठते हैं। Gracias.
तो दोस्तों ये हमारे ड्राइवर भाई साहब हैं और ये हमारे नाना पाटेकर है। हम आगे व्यू दिखाते हैं आपको। पहाड़ है ये आप देख सकते हो, यहाँ पे लैंडस्लाइड हो रखी होगी पहले कभी, तो वैसे रोड बिल्कुल साफ है लेकिन बीच बीच में क्या होता है यहाँ पे रोडों पर लैंडस्लाइड की वजह से रोड पर पत्थर आ जाते हैं। तो अगर आप कभी भी अपने व्हीकल से आते हैं या किसी भी व्हीकल से आते हैं, कार बाइक किसी भी तो प्लीज़ ड्राइव सेफ करें, क्योंकि तो अभी पीछे हमने देखा था दो ट्रक पलटे हुए थे। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप जब भी ड्राइव करते हैं तो सेफली कीजिए और ओवरटेक मत कीजिएगा बिल्कुल भी, और जितना दिन दिन में आप ड्राइव कर सकते हो वो ज़्यादा बेटर रहेगा एज़ कम्पेयर टू रात में। तो फिलहाल अभी देवप्रयाग आ चुके हैं हम, तो यहाँ पे बस तो रुके के लिए क्योंकि रोड वे जो बस होती है तो लोकल बस होती है तो वो नहीं रुकती है। ये लो जाओ फटाफट बना कर, ये चालू है कैमरा, ये लो। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लैंड स्लाइड हो रखी है, ये देखो कितना बुरा हाल हो रखा है यहाँ पर, एक एक करके गाड़ियाँ निकल रही है। तो बस मैं आपसे इतना यही कहूँगा कि जब भी आते हो ड्राइव सेफ कीजिए और बहुत देख के कीजिए, और ये बहुत ज़्यादा कंजस्टेड एरिया है यहाँ पर, ये जो रोड है बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सिंगल गाड़ियाँ निकल रही हैं। गाइस ये देखिए सारे नीचे कितने लैंड स्लाइड हो रखा है, ये सारा ऊपर से आ रहा है। तो दोस्तों फाइनली रुद्रप्रयाग आ चुके हैं, अभी जो टाइम हो रहा है 12 बज रहे हैं दोपहर के, और हम सुबह ऋषिकेश से निकले थे 6 बजे। तो फिलहाल अभी हम चोपटा जाना है, अब हम देख रहे हैं या तो ओखली मठ जाते हैं या डायरेक्ट चोपटा की मिल जाती, तो यहाँ से चोपटा के निकलेंगे। तो देखते हैं अभी फिलहाल यहाँ पर, जस्ट अभी उतरे हम बस से और बस मेरे बैक साइड पे उधर खड़ी है हो रही है, वो देखते हैं जैसे टैक्सी वैक्सी क्या सीन है यहाँ पर, जैसा भी होता मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। तो चलो गाइस मिलते हैं। तो दोस्तों अगर आपको केदारनाथ जाना है या चोपटा जाना है तो आपको जो बस या जो भी टैक्सी वैक्सी मिलेगी वो आपको यहीं से मिलेगी, ये यहाँ की मेन मार्केट है रुद्रप्रयाग की, तो शायद यही वाली बताई है। तो अभी तो हम टैक्सी देख रहे हैं, चलो मिलते हैं, जैसी टैक्सी मिलती है मैं उसके बाद अपडेट देता हूँ आपको कि यहाँ पे क्या क्या फेयर है इधर टैक्सी का। तो दोस्तों फाइनली ओखली मठ पहुँच चुके हैं, अभी जो टाइम हो रहा है वो लगभग 2 बज रहे हैं, तो जस्ट अभी ओखली मठ पहुँचे हैं, और आपको यहाँ से चोपटा के लिए गाड़ी मिल जाएगी, इस टाइप की गाड़ी होगी जिसका फेयर शायद 200 रुपये है। बाकी हमारी जो गाड़ी है वो ए वाली है, जिसमें रुद्रप्रयाग से हम 12:30 के अराउंड चले थे और अब 2 बज रहे हैं, और जो फेयर था वो 120 रुपये था। यहाँ से जो है चोपटा 25 किलोमीटर का अराउंड है, और अगर आपको यहाँ पर मतलब कुछ खाना पीना है तो यहाँ पे आप खा सकते हैं, और वॉशरूम की भी सुविधा है यहाँ पर, और शॉपिंग भी कर सकते हैं ईज़िली। तो फ़िलहाल अभी हम चोपटा जाने से पहले कुछ खाने पीने की सोच रहे हैं, क्योंकि कल रात से हमने मोस्टली ज़्यादा कुछ खाया नहीं है एक्चुअली, आपको पता ही है पराठे खाए थे और
भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, सोए भी नहीं है, बहुत ज़्यादा थकावट हो रखी है। तो चलो गाइस मिलते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम उखीमठ से निकल चुके हैं और अभी हम ईको में बैठे हैं, जिसका फेयर चोपता के लिए आपको 200 रुपये। आपको मैं व्यू दिखाता हूँ, बहुत प्यारे प्यारे व्यू आने वाले हैं। ये सारा एरिया जो है ये उखीमठ का एरिया है। तो फिलहाल हम जा रहे हैं चोपता और रास्ता देख सकते हैं आप कितना ख़राब है यहाँ पे, सारा मोस्टली यहाँ पर ऑफ रोडिंग है और ये पूरा वन वे है, लेकिन इसको यहाँ के जो लोग हैं एज अ टू वे यूज़ करते हैं। जैसा कि देख सकते हैं रास्ता ज़्यादा चौड़ा नहीं है यहाँ पर, और अब आप सिर्फ नज़ारों के मज़े लीजिए। तो गाइस फाइनली चोपता आ चुके हैं और ये जो है यहाँ पे चोपता की मार्केट है और यहीं पर ही सारी गाड़ियाँ और बसें यहीं पर ही रुकती है। एक्चुअली हमने अभी कुछ खाया पिया नहीं है, मैंने आपसे कहा था कि उखीमठ खाएंगे लेकिन अभी हमने कुछ खाया नहीं था क्योंकि हमें जल्दी आना था। और ये है एंट्री तुंगनाथ के लिए, यहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट होगी। तो ये रास्ता है जाने के लिए और यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं शॉपिंग के लिए काफ़ी कुछ है। फिलहाल तो अभी हम अपने लिए रूम का जुगाड़ करने में लगे हुए हैं। एक जगह रूम देखा है लेकिन वो 3500 रुपये मांग रहे हैं और कैंप के 3600 रुपये। तो यहाँ आके देखते हैं पहले क्या प्राइस है। तो दोस्तों हर हर महादेव, सुबह हो चुकी है, अभी हम हैं चोपता में। और एक्चुअली रात में क्या हुआ था, कल हमने खाना वाना खाया था तो बहुत ज़्यादा थक चुके थे, तो हमने रूम के लिए काफ़ी मशक्क़त करी और कैंपिंग के लिए भी मशक्क़त करी, बट एक्चुअली यहाँ के जो लोकल हैं वो यहाँ पे कैंपिंग नहीं लगाने देते, तो इसलिए मेरा थोड़ा मूड भी ख़राब हो गया था, तो जिसकी वजह से मैं ज़्यादा शूट भी नहीं किया था, मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि मेरा पूरा जो मन था वो कैंपिंग करने का था, तो बट एक्चुअली नहीं कर पाया। यहाँ पे जगरात वाले आ जाते हैं, वो एक्चुअली अगर कैंपिंग देखते हैं, कैंप लगा हुआ देखते हैं तो पैसे चार्ज करते हैं, 5000, 2000, 3000 जो भी है। तो फिर हमने क्या किया, हमने एक रूम लिया, रूम हमारा ये वाला जिसमें मतलब यहाँ पे एक्चुअली ना बहुत ज़्यादा कॉस्टली रूम है, 3500, 4000 ऐसे ऐसे रूम थे। तो हमें एक बंदा मिला जो मतलब यहाँ का देख रेख करते हैं, जो तो उन्होंने 500 रुपये पर पर्सन के हिसाब से हमें दे दिया था। तो हम तीन बंदे हैं, ये हमारे आकाश भाई हैं। ठीक है आकाश भाई, कैसा लग रहा है? ठंड बहुत ज़्यादा। तो गाइस अभी हम सुबह के कितने बज रहे हैं, अभी 5:30 हो रहे हैं, तो हम जा रहे हैं ट्रैकिंग के लिए ऊपर चोपता। और हम एक्चुअली तीन, हाँ ये भैया भैया
ये भैया जिनसे हमने रूम लिया है तो 500 रुपये पर पर्सन के हिसाब से, बाकी यहाँ पे क्या है सीज़न के हिसाब से चेंज होते रहते हैं रेट्स। और बाकी मैं जो आया था, मैं अपने भाइयों के साथ आया था, एक आकाश भाई से मैं आपको मिला चुका हूँ, एक मेरे बड़े भाई है पंकज भाई, तो वो अभी अंदर ही है। तो चलो गाइस अब ट्रैकिंग के लिए निकलते हैं। फ़िलहाल मैंने सुबह सुबह चाय बनाई है और चाय पी भी ली है, बहुत अच्छी थी। तो रूम में आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये लोकेशन है, वो नीचे जो है वो मेन मार्केट है यहाँ की चौकता की, वहीं गाड़ियाँ वाड़ियाँ खड़ी रहती है। और यहाँ से ऊपर हम आए हैं, तो ये देखिए यहाँ पे रूम है। और ठीक है रूम, रात में नींद भी बहुत अच्छी आई थी। और ये देखिए एक बेड ये रहा और ये मेरे बड़े भाई हैं, और ये भाई साहब हैं, ये भी हाँ जी ये कोटद्वार से हैं। एक भाई अंदर नहाने गए हुए हैं, तो हमने यहाँ पे शेयरिंग में रूम ले लिया था, जिसकी वजह से हमारे को 500 रुपये पर पर्सन के हिसाब से रूम पड़ा है। तो गाइस अब निकलते हैं बस, क्योंकि 5:30 हो रहे हैं, हम जितने जल्द से जल्द निकलेंगे उतने जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाएंगे, और हमें आज शाम तक ही नीचे आना है, क्योंकि अगर निकलना भी आपको जैसे कि पता है कि हमें कल रात तक मतलब घर पहुँचना ही पहुँचना है, क्योंकि हम तो ऑफिस वाले हैं तो हमें सब चीज़ मेंटेन करके रखना पड़ता है। और बाकी यहाँ का आसपास का जो एरिया है वो देखो ऐसा है, मतलब नींद बहुत अच्छी आई है। एक्चुअली अगर मैं कैंपिंग कर लेता तो रात में एक्चुअली क्या हुआ था, यहाँ पे बारिश भी आ गई थी, तो शायद कैंपिंग के हिसाब से मालिक ने इसलिए ये सोचा होगा कि हाँ ये बंदे आए हुए हैं थके हुए हैं तो कैंपिंग नहीं करने का मौका मिला, क्योंकि बारिश आ गई थी तो हम ज़्यादा सो भी नहीं पाते कैंपिंग अगर मैं करता भी। तो चलो गाइस अब निकलते हैं, ठीक है, हर हर महादेव।